हेलो दोस्तों, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जोधपुर से गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज से शुरू हुए एक एनजीओ के साथी जिसका नाम है आश्रय। आश्रय की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, जिसके अंदर हमारे साथ है डॉक्टर सागर, डॉक्टर गीतांशु, डॉक्टर शरद एंड युक्ति। तो इन सबसे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आश्रय बेसिकली जो कि एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया एक एनजीओ है, ये काम कैसे करता है। तो वेलकम टू ऑल, वेलकम टू फिजियो टॉक। थैंक यू शबीर। थैंक यू। थैंक यू सो मच शबीर। तो आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि बेसिकली इस एनजीओ को बनाने के लिए किस चीज ने आपको प्रेरित किया। शबीर, ये एक आइडिया था, एक कंसेप्ट था जो एक स्टार्ट हुआ था। ये एक मेरे दिमाग में 11th और 12th क्लास से वो था कि मेरे को एक एनजीओ खोलनी है, एक सोशली कुछ करना है, सोशल इम्पैक्ट करना है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। फिर जब मैं कॉलेज में आए, हम लोग फर्स्ट ईयर में आए, तब मेरे को वो लोग मिले जिनके थ्रू एक एनजीओ मैं स्टार्ट कर सकता था। और हर एनजीओ स्टार्ट करने का पीछे कोई ना कोई एक रीजन रहता है। मेरा रीजन एक ये था कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसी प्रोफेशन के थ्रू हम कैसे सेवा कर सकते हैं, वही एक मेरा एम बना कि इसी प्रोफेशन को लेके मेरे को सेवा करनी है लोगों की और एक कम्युनिटी रेडी करनी है, और वही था बस। और उस टाइम अपन कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, वही मैंने किया। मैंने सबसे पहले मेरे रूममेट से पूछा, देन आई मूव्ड टू माय क्लास, माय बैच, एंड बस ऐसा धीरे धीरे करते गए हम और ऐसे जुड़ते गए हम सब, और एक कारवा बनता गया और एक कम्युनिटी आज सबके सामने जो रेडी हो गई, आश्रय एंड इनिशिएटिव बाय फिजियोस। ये ऐसे मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे। हर एक आप किसी को भी हमारे एक मेंबर के ले लो, कई एक अदिति खंडेलवाल थी जो वाइस प्रेसिडेंट थी फॉर्मर, उसका एक अपना कंसेप्ट था, आइडिया था कि हाँ उसको भी एक एनजीओ स्टार्ट करनी, तो सबका आइडिया समअप हुआ और एक एनजीओ स्टार्ट हुआ जिसका नाम था आश्रय एंड इनिशिएटिव बाय फिजियोस। मैं और मेरे व्यूअर से जानना चाहेंगे कि आश्रय एक एनजीओ बनाने के बाद आपका सबसे पहला मूव क्या था। जैसे डॉक्टर सागर ने आपको पहले बताया है कि सागर ने जब ये बात सोचा था तो सागर ने मेरे को आके बोला कि गीतांशु हम कुछ ऐसा करते हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा गुड आइडिया है। सो ये चीज हमने अपने क्लासमेट से, बैचमेट से जाके डिस्कस की, उन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और सपोर्ट की वजह से हमने जब स्टार्ट किया था बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। छोटा लेवल आपको अगर मैं बताना चाहता हूँ तो हमने 5-5 रुपए इकट्ठे किए थे लोगों से और उनका फॉर्म फिलअप किया था कि ओके तो ऐसा करते हो। छोटे प्रयास से हमारा ये अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ कि हमारे 100 लोग उस टाइम पे इकट्ठे हो, मतलब जुड़ चुके थे हमारे आशा की टीम से। तो हमने क्या, फर्स्ट हमारा जो कहते हैं नोबल वर्क जो था सोसाइटी के लिए, वो हमने अपना अगर आश्रम में किया था जोधपुर में, उसमें क्या कि हमने उसमें जो जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जो मानसिक पीड़ा से पीड़ित है उनके लिए हमने स्लीपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, चप्पल क्लॉथ कपड़े थे जो बांटे थे, उनको फूड फूड पैकेट्स दिए थे, एंड उसके हमने पूरा 5 से 6 घंटे उनके साथ में रहते और पूरा साथ उनका एनजीओ उनके साथ एनजीओ किया था। उसके बाद में जैसा ये हो गया तो हमें थोड़ा बूस्टअप मिला कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हमें अब कुछ ऐसा स्टेप लेना है जिससे हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, अपने आप को प्रोग्रेस कर सके। इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आश्रय का एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराया थ्रू गवर्नमेंट। जब हमारा आश्रय का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, प्रॉपर पूरा काम गवर्नमेंट वाला प्रॉपर सरकारी काम हो चुका था, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो कि हम एक ऐसे बंदे को जोधपुर, ऐसे बंदे को राजस्थान में उससे कॉन्टेक्ट करें जिससे फिजियोथेरेपी के लिए बहुत कुछ किया है। तो उस टाइम पे हमारे जो अभी करंटली सीएम है श्रीमान अशोक गहलोत जी, हमने अपने सूत्रों से, हमने अपने जितने भी दोस्त थे, हमारे सीनियर्स थे, हमारे हेल्थ वर्कर, जो हमारे सोशल वर्कर, जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें कैसे भी करके श्रीमान अशोक गहलोत जी से हमें अपॉइंटमेंट मिला मिलने के लिए। उन्होंने हम अपने निजी स्थान निजी स्थान पर जयपुर बुलाया हमें, जयपुर हम उनसे मिले, और जयपुर मिलने के बाद वो बहुत खुश हुए थे कि फिजियोथेरेपी बच्चे इतने आगे आ चुके हैं कि वो एक एनजीओ बना रहे हैं, वो समाज सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने हमें गाइड किया कि उनके एक जोधपुर में एक संस्थान चलती है, 12 सेवा संस्थान, जिसके अध्यक्ष हैं श्री नरपत सिंह जी, हमें उनके पास डाइवर्ट किया और बोला कि आप उनके पास जाइए और मेरा रेफरेंस दीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो हम पूरी टीम के साथ में उनके उनसे मिलने गए। तो उस टाइम पे एक कैंप हुआ करता था जो अभी भी वो हर साल करते हैं,
विकलांग समिति मावी विकलांग सहायता समिति कैंप होता है, जिसमें वो फिजिकल हैंडीकैप जितने भी लोग होते हैं उनको ये क्रचेस प्रोवाइड कराना, साइकिल्स, ईयर एड्स, सो ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते। तो उस टाइम में हमारी टीम, पूरी टीम, आशय की टीम गई थी, और उस टाइम पे जब उसका जब समापन हो रहा था तो अशोक गहलोत जी उस टाइम पे चीफ गेस्ट थे उसके, तो बहुत खुश हुए थे आशय की टीम को वहां पे देखते हुए, और जो जिस तरह से हमने काम किया था तो उसका हमें जो प्रेज मिला था वो अशोक गहलोत जी ने भी किया था और श्री नरपत सिंह जी ने भी किया था। तब हमें ऐसा उस दिन बाद, उस इवेंट के बाद हमें ऐसा लगा कि हम अब कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़ा इन सेंस कि हम अपने फिजियोथेरेपी अवेयरनेस के लिए अपनी टीम को हम थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। तो हमने नरपत सिंह जी से डिस्कस किया, उनसे वार्तालाप की, और वार्तालाप करने के बाद उन्होंने हमें आइडिया दिया कि हम एक मेगा कैंप करने का हमने सोचा। तो हमने वो एक मेगा कैंप ऑर्गेनाइज किया जोधपुर में, वो आई थिंक जोधपुर के हिस्ट्री में बहुत बड़ा कैंप था, और उस दिन उसके एक दिवसीय शिविर था, वो उसमें 400 अवर ओपीडी हुई थी, 400 से ऊपर लोग आए थे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए, और वो एक ऐसा अचीवमेंट था जिससे हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, अब हम ऐसे इस्टेब्लिश है जो हम फिजियोथेरेपी को जोधपुर में, राजस्थान में बुला के आगे लेके जा सकते हैं। बिकॉज बिफोर द कैंप, जो कैंप से पहले था, हमें लोग उतना प्रेस नहीं कर रहे थे, हमें लोग सोच रहे थे कि नहीं बच्चों आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे करोगे आगे विदाउट सपोर्ट के। बट आफ्टर द कैंप जैसे जो लोगों ने देखा कि नहीं बच्चे अच्छे सही दिशा में जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो सब लोगों ने सपोर्ट मिलना हमें स्टार्ट हो गया, सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ तो हमें लगा कि नहीं हम कुछ अब बड़ा करने का सोचते हैं, तो उस हिसाब से हमारा मूव आगे बढ़ता चले गया, स्टेप बाई स्टेप हम आगे बढ़ते चले गए। जैसा कि आपने बताया कि आपका पहला स्टेप कितना ह्यूज रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हमको फेस करनी पड़ती है, तो जब आपने इस आश्रय की शुरुआत की तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? सभी डिफिकल्टीज की अगर बात कहें तो अपन, मैं उन्हें प्रॉपर डिफिकल्टीज नहीं कहूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपने भी किया ही है, मतलब। और वो अगर मैं ये मानता हूँ, अगर वो इंसान ये इसी स्ट्रगल पीरियड को एक, मतलब एक एंजॉय करके अगर आगे बढ़े ना, तो उसको डिफिकल्टीज लगती नहीं है, नो डाउट। हमें भी स्टार्ट करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, जब भी कंसेप्ट हमने लोगों के सामने रखा तो वो ही था, कुछ बैच वाले राजी हुए, कुछ नहीं हुए, बट वो ये है जो जुड़ गए उनके साथ हम आगे बढ़ गए। हम कई सीनियर्स के सामने भी गए, बहुत प्रोफेशंस ने मतलब हमारा, मतलब कभी कोई ने कोई मिमिक कर दिया, कोई मतलब हमारा कोई मजाक उड़ा दिया, बट कहते हैं ना अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और मैं हम जितने भी जुड़े हुए मेरे से जूनियर्स, उनको मैंने हमेशा बताया कि जो जो जिस जिसने हमें कुछ बोला है ना, हमें पोक किया है, कहीं पर भी पोक किया है, उनने आने वाले टाइम, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और टाइम निकलता गया, उन्होंने आके हमें आगे होके बोला और अपोलोजाइज करा हमारे सामने कि नहीं नहीं यू आर राइट एंड यस वी वर रॉन्ग। मतलब मैं एक इंसिडेंस ही बताना चाहूंगा कि जब कुछ चीज स्टार्ट होती है तो वहां पे कैसा क्या चलता है लोगों के दिमाग में। हमारे भी ऐसा हुआ था कि एक दिन ऐसा आया था, एक हमें को अभी भी वो कॉलेज की कैंटीन का वो दिन याद है, जब हम सब बिखर गए थे और मैंने एक हमारे आश्रय का एक बैग हुआ करता है जो आज भी है, और ईयर टू ईयर वो पास आउट हो गया था, मैंने वो बैग ले जाके एक जनरल सर्जन है डॉक्टर पीयूष बोस, वो मेरे काफी इंस्पिरेशन है, ही इज माय आइडल, मैंने उनके पास ले आके रख दिया था। मैंने बॉस मेरे से कुछ नहीं होने वाला एंड वी आर नथिंग, अब नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना आप किसी से इंस्पायर होते हैं, पर आप उसके पीछे के उसको उस हीरो के आप अपने आगे पीछे की उसकी कहानी नहीं जानते हैं। देन ही नरेट हिज स्टोरी टू मी कि सागर जो तू मुझे देख रहा है वो मैं ऐसा नहीं हूँ, एंड ही मोटिवेटेड मी अलॉट, उन्होंने एक घंटा मुझे मोटिवेट करा, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं सागर अब जब उठा ही लिया है ना तो अब झंडा गाड़ के ही छोड़ेंगे। तो बस वो सीन था कि हाँ वो पीरियड था, जैसे गीतांशु ने बताया हमने 5 रुपए से स्टार्ट करा था, वो 5 रुपए कलेक्ट करना हमारे लिए बस बहुत बड़ी चीज होया करती थी, बट कई सीनियर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें सपोर्ट करा। और सबसे बड़ी बात, जब हमने स्टार्ट करा तब हम जूनियर मोस्ट बेच थे, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारे जो दो जूनियर बैच है उन्होंने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करा, मतलब दे आर द बैकबोन ऑफ आश्रय, इफ वी आर द रूट्स दे आर द बैकबोन ऑफ आश्रय, नो डाउट। सीनियर हैज सपोर्टेड अस इन एवरी मैनर, बट दे आर द रियल वर्कर्स आवर जूनियर्स। जैसा कि आपने बताया कि हर्डल्स आते हैं तभी लोग आगे बढ़ते हैं, और हर्डल्स आने के बाद ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर
इस एनजीओ से कोई जुड़ना चाहे तो कौन कौन लोग आपसे जुड़ सकते हैं, और बेसिकली अभी तक आश्रय के पार्ट्स कौन कौन हैं जी, कौन कौन लोग आपसे जुड़े हुए हैं? जी शब्बीर, जैसा कि शुरुआत से मेंशन किया गया है कि ये एनजीओ गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया जाता है, इस एनजीओ का मोस्ट कोर पार्ट जो है गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज के स्टूडेंट्स ही हैं और सब फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जोधपुर से ही हैं, बाकी स्टूडेंट्स आउट ऑफ जोधपुर, जैसा कि मैं बोल सकता हूँ कि राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी हैं। दूसरी बात ये है कि एक पिलर है स्टूडेंट्स वाला, दूसरा पिलर हमारा प्रोफेशनल्स वाला भी है। तो मोस्ट ऑफ द जोधपुर के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं आज हमारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर कोई नया साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हम उसका वेलकम हमेशा करते हैं, जैसे कि आश्रय हमेशा एक फैमिली की तरह ही रहा है। ठीक है, आपके व्यूवर्स में से भी अगर किसी को हमसे जुड़ना है तो वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें विजिट कर सकता है, हम वहाँ पे हमारे बाकी की डिटेल्स उनको अवेलेबल करा सकते हैं। शब्बीर ने बताया कि अभी तक आपने ये चीज आप करने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक इस एनजीओ ने आश्रय ने क्या क्या काम किए। शब्बीर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आश्रय इनिशिएटिव बाय फिजियोज ने 5 मेगा कैंप जोधपुर में आयोजित किए हैं। एक दिवसीय मेगा कैंप रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए, जहां पे हम लेटेस्ट इलेक्ट्रोथेरेपेटिक टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए पेशेंट्स का उपचार करते हैं। दूसरी चीज, जब हमने ये देखा कि कैंप में हर कम्युनिटी के पीपल नहीं आ पा रहे हैं, कुछ ओल्ड एज वृद्ध जन है जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमने जोधपुर के ही कुछ वृद्धाश्रम में कॉन्टेक्ट किया और हमने एक टीम बनाई जिसने उन वृद्धाश्रम में अपनी निस्वार्थ सेवाएं भी दी। अदर थिंग ये रही कि जैसे कि हम एक फिजियोथेरेपी कम्युनिटी का ही हिस्सा हैं, तो हमने हमारे फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें फिजियोथेरेपी से रिलेटेड फील्ड के बारे में डिस्कशन किया गया। ठीक है, दूसरा हमने अपनी ही कम्युनिटी के लिए एक प्रहार नाम से इवेंट आयोजित किया जिसके अंदर हमने एक सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें सभी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं मेनली उनको हम लोग ने सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप बताया। तो जैसा कि आपने अभी तक हमें बताया कि अभी तक आश्रय ने ये काम किए, और जैसा कि आपने आपकी टीम ने ये भी कहा कि अब हम डिजिटली आश्रय को ला रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आपने अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया है या आगे लेने वाले हैं? हाँ शब्बीर, मैं आपको यह मेंशन करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली एक वीक पहले हमारे डॉक्टर सौरभ शर्मा सर है, उनसे मैंने हमारी टीम में कॉन्टेक्ट किया था और हमारे एनजीओ को हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि सर हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये हमारी एनजीओ है और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अपने के लिए बनी हुई है। तो सर ने बहुत इम्प्रेस थे इस चीज से और उन्हें एक बिना कुछ सोचे समझे बोला कि हाँ गीतांशु, हाँ मैं आशिक टीम के साथ में आऊंगा और ये इनिशिएटिव जरूर होगा। तो अभी एक वीक पहले उन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था आशिक के साथ मिलके लो बैक पेन पे, तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो सारे इतने अच्छे कॉन्सेप्ट थे, इतना अच्छी तरह से मैनेज हुआ था सब कुछ कि जो बच्चे थे उनको फिजियोथेरेपी के बारे में पता चला कि नहीं कि जो फिजियोथेरेपी हम अभी पढ़ रहे हैं उससे काफी डेवलप फिजियोथेरेपी हो चुकी है बच्चों को, मतलब बच्चों को अपने थिंक से अपोजिट सोचने को मिला कि नहीं अपन और कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट था उसका, हमारी टीम पर भी हमें विश्वास हुआ कि नहीं हमने एक अच्छा कदम उठाया है और इसी कदम को आगे रखते हुए हमने ये सोचा है हमने इसके लिए वेबिनार्स के अलग से टीम बनाई है जो पूरा कंडक्ट ये करेगी कि इस प्रकार से हम टीचर्स जो अच्छे टीचर्स हैं जो उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे ला सके, अच्छा वेबिनार कंटेंट ला सके ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जिससे जितने से ज्यादा बच्चे फिजियोथेरेपिस्ट के लोगों को कम्युनिटी को उनको प्रॉफिट मिल सके कि कुछ वो नया सीख सके, क्योंकि चैरिटी एक ऐसी चीज है जिसमें हर कोई पार्ट लेना चाहता है। ठीक है, और इस टाइम पे जो कोविड जिस प्रकार से कोविड-19 चल रहा है अभी, तो लोग सब लोग घर पे है, तो उसका सबसे अच्छा यूज ये है कि उन्हें एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए आश्रय के थ्रू और टीचर्स के जो बच्चों को घर बैठे वो सीख सके। तो ये अच्छा, ये हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम आने वाले टाइम में भी रिसेंट अभी जो भी कमिंग मंथ्स हैं उसमें कमिंग वीक्स हैं हम ऐसे ऐसे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लेंगे जो जो बच्चों को इंटरेस्टेड टॉपिक है, जिससे जितना हो सके बच्चों को लाभ मिल सके उस चीज का और फिजियोथेरेपी अपने के लिए काम हो सके थ्रू आश्रय।
जैसा कि आपने बताया कि आप आने वाले दिनों में वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाने चाहता हूं कि वेबिनार फ्री रहेंगे या पेड रहेंगे? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पेमेंट नहीं रहेगा। सब इस जितने भी कमिंग वेबिनार्स हैं वो हमारा पूरा कोशिश है कि उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पेमेंट नहीं होगा बच्चों से। जैसे कि डॉक्टर गीतांशु ने कहा है कि जो आपका क्वेश्चन है बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको बहुत सही क्वेश्चन है कि ये एनजीओ है हमारी और हम उन्हीं टीचर्स को लाएंगे जो सेल्फलेसली अपना एक टॉपिक हमको देना चाहते हैं। हम अगर ऑन कॉस्ट होगा तो वो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे हम वो चीज़ हम शेयर अभी नहीं कर पाएंगे। और मतलब अब हम वो नहीं है कि हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम पेड चीज हमारे थ्रू ऑर्गेनाइज हो, इसके थोड़ा हम बचेंगे शुरू से। हाँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के पास एक सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, जो कई स्टूडेंट्स बियर नहीं कर पाते। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कितनी सारी वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उन सबके काफी चार्ज होते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स सिर्फ चार्ज फैक्टर की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो हमारी फिजियोटॉक के व्यूअर्स जो हैं, जो कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आश्रय जो भी चीज ऑर्गेनाइज करवाने वाला है इन फ्यूचर, वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आश्रय यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े और आश्रय चैनल के साथ जुड़े, ताकि ये जो अपकमिंग वेबिनार्स आने वाले हैं, जो नॉलेज का पूरा भंडार आने वाला है, वो आश्रय के थ्रू आपको मिल सकता है। मेरे अंदर और काफी सारे व्यूअर्स में ये एक्साइटमेंट है कि आश्रय, बेसिकली जो नाम आप लोगों ने चुना है, तो आश्रय का मतलब क्या है? बेसिकली ये नाम आश्रय क्या सोचकर आपने अपने इस एनजीओ का नाम आश्रय रखा? आश्रय जो नाम है उसके नाम से ही हम एनजीओ का जो है काम पता लगा सकते हैं। आश्रय का मतलब होता है शेल्टर, सपोर्ट। तो हम लोग अपने नाम के थ्रू अपना काम बताना चाहते हैं कि हम लोग जो भी फिजियोथेरेपी फील्ड है, या वो सब लोग जिनको सच में बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, और वो कहीं पे भी उनके मतलब उनके पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उन सबको हम एक शेल्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं। और साथ में इसमें लिखा हुआ है एन इनिशिएटिव बाय फिजियोज। तो ये जो एनजीओ है वो सारे जो फिजियोस थे गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज के, जो मतलब फिजियोस जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसलिए इसका नीचे टैगलाइन है एन इनिशिएटिव बाय फिजियोस। और इसमें हम लोग एक स्प्रेडिंग स्माइल जो है वो भी यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम हमारे एनजीओ के थ्रू जो सारे जो लोग हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं, जिससे भी हम कनेक्टेड है, उनमें हम एक स्माइल प्रोवाइड करवा सके, उनके फेस पे एक स्माइल रहे, भलाए वो लोग हो जो इसमें मेंबर्स के थ्रू या कुछ भी काम के वो हेल्प करते हो दूसरे लोगों को, या फिर जिनकी हेल्प हो रही हो। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि अभी तक आप लोगों ने जो जो काम किए, पर फ्यूचर में आप लोग क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, और आगे आपकी ये संस्था, ये एनजीओ आश्रय क्या क्या काम करने वाला है? फ्यूचर प्लान्स बेसिकली आप लोगों के क्या क्या हैं? शब्बे, जैसा कि अभी सब डिसाइड हो डिस्कस हो रहा है कि हम लोग ने लास्ट टाइम एक मेगा कैंप करवाया जिसमें हम लोग ने सीएम अशोक गहलोत सर को बुलाया था। अभी फ्यूचर प्लान्स आश्रय इस हिसाब से सोचता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी जो आश्रय की है वो स्टूडेंट बेस्ड है, तो आश्रय सोचता है कि हम लोग इसमें थोड़ा एजुकेशनल स्टफ भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएं। जैसे कि आप इस चीज को जानते हैं कि एकदम लेटेस्ट अप्रोच फिजियोथेरेपी में आजकल आ रही है, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज की काफी अप्रोच आ रही है, तो फर्स्ट थिंग हम ऐसा सोचते हैं कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा एजुकेशनल स्टफ प्रोवाइड करें। अनदर थिंग, आज जो हमने ऐसा फील किया है, जो हमने हमारे राजस्थान में भी देखा है, हमारे कॉलेज में इवन हमने देखा है कि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं फिजियोथेरेपी के, उनको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एक अच्छा ओरिएंटेशन नहीं होता है कि व्हाट इज द फिजियोथेरेपी और हमारे फिजियोथेरेपी में कितना फील्ड है, हमारे पास कितना पावर है। तो हम इस चीज को भी बाहर लाना चाहते हैं ताकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे भी ये देख सकें कि हाँ, वी कैन डू दिस, इवन वी कैन डू दिस। अनदर थिंग, हम आश्रय को लेकर ये सोचते हैं कि अभी तो राजस्थान लेवल है,
हम इसको अदर स्टेट्स में भी लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी हमारी फिजियो कम्युनिटी के सब मेंबर्स जो हैं एक साथ रहें और राष्ट्र इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। जैसा कि आपकी टीम से मुझे मालूम चला कि आश्रय का एक यूट्यूब चैनल भी आ चुका है, तो बेसिकली जैसे हम फिजियोटॉक की बात करें तो फिजियोटॉक को भी हमने इसी लेवल पे बनाया था कि हम स्टूडेंट्स को एक एजुकेशनल नॉलेज और बेसिकली फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सके, और काफी अच्छा रेस्पॉन्स लोगों ने हमको दिया फिजियोटॉक पे। तो मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि आश्रय का जो आप यूट्यूब चैनल आप लोगों ने बनाया है उसका बेसिकली पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप उस यूट्यूब चैनल का यूज करेंगे? हाँ, तो मैं बोलना चाहूंगी कि अभी जो इंडिया है, वर्ल्ड है, सबको अपन देखें तो उसमें अभी की जनरेशन हो, पहले की जनरेशन हो या फिर जो भी आने वाली जनरेशन है, वो सभी डिजिटली बहुत एक्टिव हो चुके हैं। तो कुछ भी काम करने के लिए अपन को कुछ भी स्टेप लेना हो तो आप डिजिटली इस बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। रही बात YouTube की, तो आश्रय ने Facebook पे, Instagram पे और अपनी वेबसाइट भी खोल रखी है, तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि क्यों ना इसको YouTube पे भी अपना जो काम करने का एक जरिया बनाए जिसके थ्रू हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अवेयरनेस जो है फिजियोथेरेपी को लेके, हेल्थ को लेके, या फिर अदर कोई इश्यूज है सोसाइटी में जिससे सोसाइटी जो है उसका अपलिफ्टमेंट हो, उसका बेटर बने और सोसाइटी, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो एजुकेशनल पर्पस है, जो स्टूडेंट, जैसे कि शरद बॉस ने बोला था कि जो बच्चे हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी नॉलेज को ग्रो करने के लिए हम उसमें वीडियोज जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहेंगे। तो बेसिकली मैं हमारे व्यूअर से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक आश्रय के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर और ऊपर आई बटन के अंदर हम आश्रय चैनल का लिंक जरूर देंगे, तो आप लोग जल्दी से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आश्रय के साथ जुड़ जाएं। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई ऐसा एक फॉर्म वगैरह निकाले जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, बेसिकली 13,000 सब्सक्राइबर हैं फिजियोटॉक के, उसमें से 7,000 to 8,000 फिजियो स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि आश्रय टीम के साथ जुड़े। ये आश्रय राजस्थान से निकलकर बाहर इंडिया लेवल तक आए और हम इसके अंदर, मैं भी खुद आश्रय के अंदर जुड़ना चाहूंगा। तो मैं अभी सभी हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि वो आश्रय चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों की टीम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका कोई मैसेज हो हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ शबीर, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैसेज हमारी तरफ से एक ही है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब पर्सनली जो मैं हमेशा सबको कहता भी हूँ, इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग डोंट वेट, जस्ट डू इट, ओके। और करो ऐसा कि कॉपी मत करो बस, मतलब अगर किसी ने जो कुछ स्टार्ट करी आप उसको कॉपी मत करके आगे बढ़ो कि अगर इसने ऐसा करा तो यार हम भी ऐसे ही करके आगे बढ़े, क्योंकि जिसने जो विराट कोहली जिस तरीके से खेल गया ना, उस तरीके से तो भाई खेलना बहुत मुश्किल है। मैं बस ये कहना चाहूंगा, और अगर जो भी आप करना चाहते हो, सोशल वर्क, कुछ भी, एनीथिंग, जस्ट डू इट, ओके। एंड मैं जो ये सारा हम सब लाइव हैं उसको बस मैं एक ही तरह से सम अप करना चाहूंगा, अगर आग है तो दिखा मत, हौसला है ना तो कुछ गवा मत, करना ही है अगर तो करना, ऐसे नगाड़े बजा मत, खूब गरजते हैं तेरे जैसे, बरसना ही है अगर ना तो बरसना, लेकिन आंधियों के साथ आ मत। विद दिस वी ऑल सम अप, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू Shabir for inviting us on your channel. Thank you so much, Shabir. Thank you all. Thank you so much, Shabir. आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो चीज आश्रय के बारे में हमें बताई वो शायद हम लोग नहीं जानते थे, और काफी हमें एक्साइटमेंट फील हुआ जब हमने आश्रय की पूरी स्टोरी सुनी कि कैसे एक एनजीओ कितने मुश्किलों से
जब आप बोलते हैं ना डिफिकल्टीज और स्ट्रगल के बाद खड़े होकर जो मुकाम तक पहुंचता है तो वो एक बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि इतने लोगों की टीम को साथ रखना, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि जब हमने फिजियोटॉक स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने एसएचबी फिजियोटॉक करके एक चैनल बनाया था और उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी जब मैंने उस चीज को वहीं पर पॉज कर दिया था। तो एक टीम को साथ लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि आप लोग बहुत बखूबी निभा रहे हैं वो चीज। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती समय फिजियोटॉक को दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं शब्बीर के बारे में भी बात कहना चाहूंगा। आई नो हिम फ्रॉम 2015 एंड ही इज अ एक्टिव फिजियोथेरेपिस्ट एंड एक्टिव सोशलिस्ट। मेरे को वो भी दिन याद है जब एक मारवाड़ एसोसिएशन फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे हम लोगों का फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ था। And since from then, he used to contact with every physiotherapist who is who or whom they are doing social work in every field. And today, we are also glad that he invited us and he has reached to that much zenith that he wants to. So, thank you, Shabbir, for this. Okay. मैं भी चाहूंगा कि आश्रय चैनल के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन आगे भी होता रहे और हम ऐसे ही एजुकेशनल नॉलेज की वीडियो बनाते रहें और जो दूसरे आने वाले फिजियोज हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको हम मोटिवेट जरूर करते रहें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। बिल्कुल शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।